दबके में बादल फटने से तिस्ता नदी में आई बाढ़। अचानक आई बाढ़ से सेना के कई कैंप को नुकसान। 23 जवान हुए लापता। जवानों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को जमानत। दिल्ली की राउल रेवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी देवी को जमानत दी। 16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आवास पर पहुंची ईडी की टीम। दिल्ली आबकारी केस में ईडी की तलाश। बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद दूसरे राज्यों में भी उठी मांग। कांग्रेस नेता अजय लल्लू ने सीएम योगी को लिखा पत्र। बिहार की तरह यूपी में भी जातीय जनगणना कराने की मांग। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत से बैर कर बैकफुट पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। बोले भारत से नहीं बढ़ाना चाहता विवाद। विदेश मंत्री मेलानी जोली का बयान, भारत से बातचीत चाहता है इस वक्त कनाडा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर प्रधानमंत्री का बड़ा हमला। निजामाबाद की रैली में बोले एनडीए में आना चाहते थे केसीआर, लेकिन मैंने नहीं लिया। बगल में बैठकर कोई भ्रष्टाचारी नहीं झेल सकता मेरा था। हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में 36 घंटे में 35 मरीजों की मौत से हड़कंप। संभाजीनगर में भी 24 घंटे में 8 मरीजों की गई जान। विपक्ष ने सरकार को उठाए सवाल। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। एशियन गेम्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। तीरंदाजी में आज एक गोल्ड के साथ अब तक 71 मेडल जीते। जकार्ता एशियन गेम्स में 70 पदक जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर वन न्यूज चैनल।